दोस्तों, अपने फ़ोन में हम तरह तरह के एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन अलग तरीके से काम करते हैं और अपने स्मार्टफोन को तभी एक स्मार्टफोन समझते हैं जब उसमें तरह तरह के एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सकें। लेकिन समस्या तो तब आती है जब हमारे फ़ोन में जगह नहीं रहती है, हमारा जो इंटरनल स्टोरेज है वो फुल हो जाता है और हम किसी तरह का कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर राजपूत, आप देख रहे हैं लेटेस्ट गुरु जी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आप लेटेस्ट गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इससे कमाल की टेक्नोलॉजी वीडियो लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो सिर्फ 5 MB का है और इस एप्लीकेशन में से आप पूरे 32 एप्लीकेशन का काम ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 32 एप्लीकेशन का काम ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 MB के एप्लीकेशन में। तो दोस्तों, इस ऐप का नाम है स्मार्ट किट, जिसको हमने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। तो दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड आप इसको कर लीजिए, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप गूगल प्ले स्टोर में स्मार्ट किट 360 जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पर स्मार्ट किट 360 एप्लीकेशन निकल कर आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर नाम लिखा हुआ है इसका, तो यहाँ पर आप इसके डेवलपर का कॉन्टैक्ट देख सकते हैं। ये है इसका ईमेल एड्रेस और प्राइवेसी पॉलिसी। तो इसको आप नीचे जो स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे खास बात कि इस ऐप का जो स्टार रेटिंग है वो 4.6 है, जो काफ़ी अच्छी स्टार रेटिंग मानी जाती है। इसके अलावा और भी जो ऑप्शन देख सकते हैं आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो अब आप चलते हैं सीधा एप्लीकेशन की तरफ और उसका जो इंटरफेस है उस पर एक नज़र डालेंगे। तो ये हमारा जो है स्मार्ट किट एप्लीकेशन खोल कर आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एक 5 MB के ऐप में ढेरों ऐप आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे, जो इस साइड से एक ट्रिपल बार दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोने में 3 लाइन दी गई हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्रिएट शॉर्टकट आल सोशल मीडिया, आल वर्ल्ड न्यूज़, आल शॉपिंग, शेयर विद फ्रेंड्स, ये कुछ ऑप्शन आप देख सकते हैं। ढेर सारे ऑप्शन आपको इस ऐप में मिल जाते हैं। तो चलिए हम इसको बंद कर देते हैं और सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले क्या एप्लीकेशन हमको मिल जाता है। तो जैसा कि हम देखते हैं सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है नोटपैड का। तो अगर आप फ़ोन में किसी भी तरह का कोई नोट सेव करना चाहते हैं तो नोटपैड का इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद आपको ट्रांसलेटर भी मिल जाता है, इसकी सहायता से आपको कोई भी लैंग्वेज आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल ट्रांसलेट की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा कि आपको यहाँ पर मिल जाता है ट्रांसलेटर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करके दिखाऊँगा, कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाई का मतलब नमस्ते निकल कर आ गया है। इसके अलावा इस एप्लीकेशन में डिक्शनरी मिल जाती है, एक्सरसाइज मिल जाती है, ठीक है, फाइल मैनेजर मिल जाता है अगर आप इसमें कुछ चीज़ सेव करना चाहते हैं, कटर मिल जाता है अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर म्यूजिक कटर मिल जाता है। इसके बाद जो है मेट्रोनोम, रिकॉर्डर, फ्लैशलाइट मिल जाता है यहाँ से, तो आप फ्लैशलाइट जला सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सेल्फी यानी कि मिरर का मैग्नीफायर अगर किसी को आप जूम करना देखना चाहते हैं, इसके अलावा आपको यहाँ पर QR कोड यानी कि स्कैनर भी मिल जाता है। इसके बाद क्लीनर हो गया, बैटरी सेवर हो गया, स्टॉप वॉच, चेकलिस्ट और ये कुछ अबेकस कैलकुलेटर, करेंसी यूनिट। तो ये तो टूल्स हैं जो कन्वर्टर टूल हैं। इसके बाद बात आती है आपको एल्टीमीटर, कंपास, हार्ट, RM, इंटरनेट स्पीड और मैग्नेटिक मैप, पोडोमीटर, लेवलर। आप अपने फ़ोन को एक लेवलर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसको लेवल पर रखूँगा तो यहाँ पर ये देखो लेवल कितनी जल्दी जल्दी से वो कर रहा है। तो देखिए ये मैंने लेवल में ला दिया है, जैसे ही 0 आ जाएगा तो आपको फ़ोन जो है ना लेवल में आ जाएगा। इसके अलावा मैप भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलाउ कर दीजिए तो यहाँ पर आपको मैप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, GPS इनेबल बोल रहा है इनेबल करने के लिए, तो मैं फ़िलहाल नहीं करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैप के अलावा आप पोडोमीटर यानी कि आप जो पदचिन्ह हैं और सॉरी जो आपके स्टेप्स हैं, आप कितने स्टेप चले हैं वो लेवलर तो मैं आप दिखा चुका हूँ। टाइम जोन आपको मिल जाएगा, लक्स मीटर, ये लक्स का मतलब जो प्रज्वलिता होती है यानी कोई चीज़ जलती है तो उससे कितना प्रकाश निकल रहा है किस तरीके से, वो लक्स मीटर कहलाता है। और प्रोटेक्टर, रूलर, साउंड मीटर तो आप समझते ही हैं, साउंड मीटर जैसा कि आप समझ सकते हैं।
तो अभी ये इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी वजह से ये काम नहीं करेगा। लेकिन आप साउंड मीटर तो आप समझ ही सकते हैं, साउंड का जो मेजरमेंट है। और ये एप्लीकेशन है स्पीडोमीटर और वाइब्रेटोमीटर। स्पीडोमीटर का यूज़ तो आप जानते होंगे, अगर आप GPS ऑन करके अगर किसी बाइक पे या फिर किसी फोर व्हीलर में यात्रा करते हैं तो यहाँ से आप स्पीडोमीटर से आप अपनी स्पीड चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी एप्लीकेशन आपके समझ में आ गए होंगे, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने लेटेस्ट गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं इससे कमाल की टेक्नोलॉजी वीडियो लेके आता रहता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।